अंदर चली गई है पूजा रूम के अंदर। एक चिड़िया आ गई है, छोटी सी बर्ड है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, अंदर चली गई है। अभी मैं लाइट जलाती हूँ, बाहर आ जाएगी, देखना। ये डोर ओपन कर देती हूँ, बाहर निकल जाएगी। बेचारी, देखिए वो, देखिए देखिए, जूम कर। ये देखिए, मैंने डोर ओपन कर दिया है, निकल ही जाएगी। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, मुझे देख के नहीं आ रही होगी, ऐसे हट जाती हूँ। बाहर आ गई मैं, लेके आई हूँ नींबू से, बर्तन साफ करूँगी। हम देखते हैं वो बर्ड बाहर निकली है नहीं निकली है, वहाँ वहीं बैठी हुई है डर के मारे। ये देखिए, अभी यहीं घूम रही है, अब मैं उधर जाऊँगी तब ये बाहर आएगी। ये देखिए 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 इसको, उसको ना पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है। ये देखिए, बाहर निकल जा। देखो 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 क्या कर रही है। हाय हाय, कितनी प्यारी है ये, कितनी छोटी सी प्यारी सी है, ओ माय गॉड। चलो मैं अपना काम करते, निकल जाएगी अपने आप ही। खाना बन रहा है, अब आप लोगों को पता है कि शुरू हो गए हैं तो सिंपल सिंपल खाना ही बनेगा अब जो। हाँ, मैं खाना सादा ही बनेगा, साग धो के रखा है मैंने, राई के साग आ गया है बहुत बढ़िया बढ़िया, तो राई का साग बनाऊंगी। इसके लहसुन का तड़का दूंगी, इसके लिए मैं एक लहसुन ले लेते हैं यहाँ से। कर रहे थे लंच में पंकज का इंतज़ार, वेट कर रहे थे, लेकिन वो आए लेट, अब वो लेट आए हैं, बच्चे आ चुके हैं तो अब खाना नहीं खाएंगे। उनको मैंने जूस दे दिया, ओह क्या हो गया, तो उनको जूस दे दिया मैंने, और बन रही है उनकी चाय। उनका ये है कि अब जब वो फ्री होंगे तब वो खाना खाएंगे, तो मैं चाय बना रही हूँ उनकी और उनके लिए, तो उनको चाय दे दूँगी और फिर तब मैं और सिया हम दोनों जो है खाना खाएंगे। तो ये इनकी चाय बन गई है, इनको चाय दे देंगे और उसके बाद फिर तब हम दोनों, मतलब मैं और सिया, करेंगे लंच। ये ले लिया है मैंने भात, चावल बोलते लोग ना, मुझे बहुत हैरानी होती है, चावल तो कच्चा होता है, भात और साग। तो आज पहले हम भात और साग ही खा के देखूंगी मैं, और अगर फिर नहीं हुआ तब दाल के साथ खाऊंगी। अभी दाल को यहीं से फिर ढक देते हैं, और चटनी जो कि बहुत टेस्टी हो रही है, तो पहले ये खाते हैं। पापड़, थैंक यू, टेस्टी नहीं घर को, उसको बहुत टेस्टी हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है। क्या ना, नींद पूरा कर लेना हमें। और शाम को ये हो गए थे फ्री, ये है सैटरडे इवनिंग का है, तो शाम को ये फ्री हो गए थे, तो ये और मैं गए थे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव टाइप में बाइक में ही ऐसे ना, और सिया के लिए हम पिज़्ज़ा लेके आए थे। तो ये वीडियो सिया ने ही बनाई थी, जितने भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं। तो बच्चों को होता है ना कि पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, और उसने बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो वही मैं दे रही थी उसको, मतलब वही खाया उसने। और आजकल ये दोनों काफ़ी मेरी हेल्प करा देते हैं कामों में, तो इनको, एक को मैंने प्याज काटने को दिया था और कपड़े तय कर रही थी, ये काम खुद ही करना पड़ता है, छोटे मोटे काम करा ही लेती हूँ फिर भी इन लोगों से। और वैसे तो स्टार्टिंग में तो मम्मी ने सारा खाना बना बना के दिया, और फैमिली वाले जो थे, मामी जो थी, छोटी मामी ले लेके जा रही थी मुझे हॉस्पिटल, उन्हीं के साथ जा रही थी, तो अभी सारे लगे हैं काम करने में। मूवी देख रहे हैं साथ में ये लोग, कोई पंजाबी मूवी लगी रखी है, पता नहीं। हाँ, तो इनको करने देते हैं काम, और मैं कर लेती हूँ अपना दूसरा काम, हो वहाँ पे दूध बॉयल हो जाएगा। चलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सारे, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अभी सुबह सुबह, मतलब 9 बज रहे हैं, और मैं हो गई हूँ रेडी। क्यों रेडी हुए हैं, और मैं ही नहीं, ये दोनों भी रेडी हो रखे हैं,
और रेडी होके हम वेट, ये देखिए बैठे हैं दोनों जने, और रेडी होके हम वेट कर रहे हैं बच्चों का। अभी तक पहुंचा नहीं है कोई, दो ही बच्चे आए हैं सिर्फ, सौरव और संगम, बाकी गायब है। तो हम वेट कर रहे हैं और हम कुछ बच्चे तो उधर ही मिलेंगे, उधर यानी कि जहाँ पे हमने जाना है, तो उनका स्टॉप उस साइड है, तो हमने उनको बोला वहीं पे आप लोग मिलना, क्योंकि इधर आने का उल्टा आने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हमने बच्चों को बोला है वहीं पे मिलेंगे। और कुछ बच्चे यहाँ पे आएंगे जो कि अभी तक पहुँचे नहीं हैं, टाइम का थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन बच्चों को टाइम का कोई वही नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए सबसे पहले। तो हम लोग कब के तैयार होकर बैठे और बच्चे पहुँचे नहीं हैं, हाँ तो आ गए कुछ अभी अभी, नंदिनी आ गई है, नंदिनी के साथ में विशाखा भी, ये सब आ गए, ये पहुँच गए नंदिनी। नंदिनी कहाँ है, किसके साथ आई है? अच्छा कहाँ, ये देखो ये हमारे नौजवान साथी आ चुके हैं, और नंदिनी का गाड़ी अभी तक आई नहीं है, नंदिनी की गाड़ी नहीं आई है। नंदिनी तेरी गाड़ी कहाँ है, आई नहीं अभी तक तेरी सवारी? ना साथ जाएंगे, आ लो क्या? अभी तो अब अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हेलमेट पहन के, बिवर हेलमेट प्लीज। वही तो तो सैटरडे इवनिंग के बाद जो शूट किया था, उसके बाद सीधा ये मंडे का है, मैं आपको बता दूँ मंडे का है। मंडे में जिस दिन छुट्टी थी ना, उस दिन हम लोग अपने बच्चों के साथ गए थे, मतलब ये कुछ ही बच्चे हैं जो आना चाहते हैं वैसे वाले पिकनिक के, ये मतलब ना जो आना चाहते थे, तो हम लोग ऐसे मसूरी तक गए थे थोड़ा सा बच्चों के साथ, ऐसे सब अपनी अपनी बाइक में, एक्टिवा जो भी है। तो ये 11th के ही बच्चे हैं हमारे, थोड़े से कुछ बच्चे आए हैं बस 11th के ना, बाकी नहीं आए हैं, बाकी 12th के बच्चे नहीं आए, कोई भी नहीं था हम लोग। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो भैया जिसको जाना है तो वही है। तो देखिए अब मौसम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया है, सुबह शाम तो अच्छी ठंड हो गई है, और दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी रहती है, लेकिन मसूरी में तो जो है काफ़ी ठंडा था, मतलब हम लोगों ने तो फुल स्लीव्स पहन रखे थे, लेकिन जिन्होंने हाफ स्लीव्स पहने थे उनको काफ़ी ठंड हो गई थी। तो देखिए मैं बीच शूट कर करके दिखा रही हूँ, बस यही तक जाना था कि नदी बह रही है और पीछे बच्चे आ रहे थे, और आगे भी हमारे बच्चे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मतलब जैसे शाम के टाइम में, जैसे वीकेंड्स में या शाम के टाइम में बहुत मतलब ट्रैफिक होता है, बहुत यानी कि मतलब मसूरी से तो कम ही होता है, जो मेन रोड वाला ट्रैफिक है वहाँ से कम होता है, बट आजकल होने लगा है, पहले वरना ये रोड जो है बिल्कुल खाली रहता था। और इस समय देखिए बादल, बिल्कुल बादल बादल हो आया है, मौसम तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा ये खूबसूरत नज़ारों का जो है दृश्य जो है आपको भी दिखा दूँ, आप लोग भी देख लीजिए कि कितनी ही खूबसूरत लगती है ये वादियाँ। बहुत भूख तो नहीं लगी? लगी है ब्रेकफास्ट खाना है, भूख लगी है लड़के को। और ये हमारे राइडर्स है, पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे आते रहते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया नज़ारा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने नीचे भैया को ऑर्डर दे दिया है पराठों के लिए, पराठे और चाय हमारे आते ही होंगे, और बच्चों से पूछते हैं कोई चाय पीने वाला है या नहीं, उसके बाद हम ठीक है खुश है। तो देखिए पीछे मसूरी की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है, आराम से बच्चे अरेंज कर रहे हैं चेयर्स को, टेबल्स को, ऐसे बैठेंगे साथ में सब मिलके, क्योंकि साथ में आए हैं तो साथ में बैठेंगे तभी अच्छा लगता है। 14 है ना, हाँ। और ये मैक्रोनी जो है अंश अपने घर से अपने हाथों से बना के लाया, और ये है अंश है ना, पहले बना को नहीं, हाँ इसे बनाया। और ये है विभोर, ये बीमार है फिर भी गाड़ी चलाए, और ये है संगम,
को गाड़ी चलाने नहीं आता। ये अपने आप अपने मुंह से बोल और बाकी सारे बच्चे बैठे पारस मनु दीदी कितने इसको दीदी का नाम क्या रे कनिका हाँ उसको नाम ही भूलिया मैंने कनिका शिवांशु विशाखा वंशिका विशाखा वंशिका महिमा 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 और सौरभ को तो आप लोग सब जानते हो और नंदनी को भी ये खाओ ना नंदनी वो भी बांट दे उसने बेचारे ने खोल के रख दिया अब तुम लोग बांट दो उसको भी संगम बांटेगा आप कोई नहीं बांट और मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी है ना बहुत टेस्टी बनाया लड़के ने मैक्रोनी पार्टी में यही बनाएगा बहुत टेस्टी बनाया उसने अगली बार जब हम संतरा देवी आएंगे तो खाना यही लड़का बनाएगा यही लड़का हाँ। अरे भाई तू गिर कर क्या बोल रहे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है दीपक की मम्मी पूछ रही है इमोशनल डैमेज किसको संगम को सुना नहीं है क्या है छुट्टी और पराठे सारे कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ ना आराम से बसो संगम तू इस साइड आ जा ना यहाँ अरे बैठो अच्छा बैठ 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 बोले पराठा ले खाओ 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 खावे ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ये आगे मेरा पराठा और साथ में हम देंगे अचार भी अचार लोगे तुम ये लो शिवांशु करूँ करो आगे जाके नहाने तूने नहाना है नहाने वाला है जरूर नहाने नहाया तो हूँ गर्मी लग रही है अच्छा बीमार हो जाओगे खाली ऊपर ठंड होगी नहीं मैं गाँव जा रहा था ना वो वहाँ रुक गया देव पे रुक गए इस बार अगर बद्रीनाथ गए तो फिर गाँव जाए केदारनाथ जाएंगे इस बार चंद्रवती देना है जहाँ देव रहे उसके सीधे रस्ते में चंद्रवती है बहुत ऊपर आएंगे हो गया खराब हो गया नाश्ता पानी करने के बाद अब यहाँ पे सब अपना अपना फोटो सेशन कर रहे हैं देखो ये देखो सौरभ शांति से खड़ा है यहाँ पे और ये इंस्ट्रक्शन देते हुए मैडम हमारी इंस्पेक्टर मैडम है ये सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे सब वहाँ चले जाओ डांट डांट के सब वहाँ चले जाओ डांट डांट के सबको सब वहाँ चले जाओ इंस्पेक्टर मैडम बोल रही है सब वहाँ आ जाओ सब वहाँ आ जाओ तो जी अब सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे आगे की ओर यानी कि मेन मसूरी की तरफ हम जा रहे थे लेकिन हम पीछे के रास्ते से जा रहे थे यानी कि हमें मार्केट एरिया नहीं जाना था मार्केट वाले एरिया हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वीकेंड्स के टाइम में जब 3 दिन की छुट्टी हो ना तो
तो आप समझ लीजिए कि यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम लोगों को खुद को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। मतलब जब से शॉर्टकट रास्ता वास्ता जो भी है, जो भी बना है ना हमारे यहाँ उत्तराखंड में, मसूरी में, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे हिल स्टेशन है, भीड़ ज़्यादा होने लगी है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इस बात का सरकार को, उत्तराखंड सरकार को थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे टूरिस्ट को बाहर से, दूसरे स्टेट से लोगों को आने भी दे रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा कर वसूली ज़रूर करे और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़रूर लगाए कि भाई अपने राज्य को साफ सफाई रखने के लिए। ये हम लोगों का, हर एक जनता का एक मतलब ड्यूटी है, अपना सेल्फ हमारा ड्यूटी है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी हमें बहता हुआ नल दिखे या बहता हुआ पानी दिखे या गंदगी दिखे तो खुद से उठाए। कई बार हम लोगों को, मैंने मतलब खुद से बच्चों को बोला है कि भाई रास्ते में इस तरह से मत फेंको। मैं मतलब जो अनजान लोगों को भी मैं बोल देती हूँ। मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो हमारे अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले शिव बारात आई थी उसकी एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब उसमें प्रसाद के नाम पे, प्रसाद खा के लोगों ने जो गंदगी मचाई है ना, मतलब इस तरह के जगहों में जाने से तो अच्छा है आप नहीं जाइए, घर में बैठ के भगवान की पूजा करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बस मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा कहने लायक मतलब मैं भी क्या कहूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँगी तो फिर लोगों को बुरा लगेगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी इसी विनती के साथ कि अपने देश को, अपने राज्य को साफ़ सुथरा रखिए। और बाकी के इसके जो वीडियोस हैं मैं आगे दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।